वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लेखक कालीकोट हेल्पिंग एल के चैनल में आप सबको स्वागत है। और धीरे धीरे करके हम 15 डेज तक भी पहुंच गए और इसी तरीके से हम जो 90 डेज का जो चैलेंज था उसी तरीके से हम पहुंचेंगे। जो मेरा ये देखिए, ये मेरा जो 90 डेज का चैलेंज था, मैंने खुद को चैलेंज दिया हूँ, अपने आप को चैलेंज दिया हूँ। देखिए, हम खुद का दुश्मन होते हैं, खुद ही है दुश्मन अपना, वही आपका बाहर का दुश्मन होता नहीं, खुद ही अपना दुश्मन है। आप खुद को सुधार पाए, खुद को सुधार के, इसलिए मैंने आप खुद के ऊपर चैलेंज दिया हूँ। जो मेरा डेली रूटीन है, डेली रूटीन के हिसाब से मैं एक्सरसाइज करना हूँ, योगा करना हूँ। जो मेरा टारगेट था, जो 3 मंथ्स का टारगेट था मेरा बॉडी फैट कमाने का, वही टारगेट में टारगेट के लिए मैं 90 डेज का जो चैलेंज खुद के ऊपर मैंने दिया। ओके, मैं धीरे धीरे करके मैं बढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात एक सुनिएगा, मैंने कल खुद का वेट मैंने किया, वेट बॉडी वेट मैंने वेट किया, तो मेरा वेट अभी कितना था बताए ना, कितना है? पहले मेरा वेट था 80, अभी मेरा वेट है 76, मैंने 4 kg ऑलरेडी कम गया। तो मैंने देखे, तो मैं तो खैर खाली योगा ही नहीं करता हूँ, मैं उसके साथ में 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे तक मैं योगा करता हूँ और आधा घंटा फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो मतलब 1.5 घंटा मेरा चलता है एक्सरसाइज, एक योग एंड एक्सरसाइज। उसी तरीके से मेरा जो बॉडी फैट्स मैंने कमाया हूँ, तो आप भी फैट्स कमाना है और साथ साथ आपके खाने के ऊपर भी ध्यान देना है। मैं रात को जब भी डेली मैं ओट्स लेता हूँ और मैं ज़्यादा तेल मसालेदार ये खाना खाता नहीं, तो इसी तरीके से मेरा वो क्या है, बैलेंस हो रहा है खाने पे और एक्सरसाइज पे, मेरा बैलेंस हो रहा है। अब भी आपका जो बैलेंस करके ही आपका वेट को आपको कमाना बढ़ाना आप कर सकते हो। तो लेकिन जरूर आपको वेट अगर कमाना है, फैट्स कमाना है, तो आपके फूड के ऊपर ध्यान देना है और एक्सरसाइज के साथ साथ, ठीक है? तो आपको बीच बीच वेट मेजर करना है, आपका वेट कितना हुआ है। जब आप कम देखते हैं तो आपको मोटिवेशन आता है और करने को दिल होता है, तो आपको बीच बीच में वेट मेजर करना है, आप जरूर करना है, वेट मेजर करना है आपको। ओके, फैट मेजर करना है उसी तरह से। देखिए, एक दिन में कभी भी होगा नहीं, ठीक है? धीरे धीरे आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम मस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो फैट है ना, पत्थर से भी मजबूत है, स्ट्रांग है, उसको तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना? तो हमें 2 से 3 4 महीना भी लग सकता है, तो हमें धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? हम इसको तोड़ेंगे, निकल के छोड़ेंगे, ठीक है? तो आप धीरे धीरे करके करेंगे और धीरे धीरे करके आपको लेकिन कंटिन्यू करना है, आप किसी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो इसी तरह से करके हमारे बॉडी वेट फैट को कमाएंगे, ठीक है? मेरा जो जो मैंने आज का जो योग आसन किया, वो योग आसन को देखिए आप करके आप हेल्दी रह सकते हो, आपका फैट लॉस कर सकते हो। देखना आपको करना है डेली, तो जो मैंने आगे दिया वो आप करके आज का दिन भी आप एंजॉय करना है, हेल्दी रहना है। और आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर आऊंगा दूसरे वीडियो लेके, दूसरे वीडियो में भी सेम थिंग होगा फिटनेस के बारे में। ओके, और दूसरे बारे में भी यहाँ पे लिए हम फिटनेस के बारे में बोलते रहता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं बार बार फिटनेस के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि फिटनेस ही आपका सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है? अब हेल्थ सही रहेगा सब कुछ रहेगा, तो आपको हेल्थ अच्छा से रखना है। तो हेल्थ अच्छा से रखने के लिए एक्सरसाइज योगा आपके 1 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है? 1 घंटा दे दो, हम फिट रहना है आपको, ठीक है? प्लीज, अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना है, आपको सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच, बाय।